नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी का मित्र दोस्त रुपेश पांचाल। तो मित्रों, आप सभी को बता दूं, आज के इस वीडियो में बताने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है वर्ष 2022-23 में, उसके लिए हम कक्षा 11 के लिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय, इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें से हम सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे। चैप्टर का नाम क्या आप सभी का, वी आर नॉट अफ्रेड टू ड्यू, यानी कि हम मरने से नहीं डरते हैं। पूरी प्रश्न बैंक जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी प्रश्न बैंक आने वाली नहीं है। सिर्फ इन 5 क्वेश्चन में से ही आएंगे इस पार्ट में से। अगर आप सभी ने इस 5 प्रश्नों को पढ़ लिया, और वो भी सरल सरल प्रश्न लाए हुए आप सभी को, ताकि आप सभी को याद करने में आसानी रहे। मैं आप सभी को विशेषता बताता हूँ इस वीडियो की, आप सभी को जितने भी बताऊंगा सारे के सारे आएंगे, यानी कि इनसे बाहर नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाने वाला है, ठीक है ना। कब खत्म हो जाएगा, अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो, ठीक है। 2 मिनट में याद करवा दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। अगर नहीं होते याद तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन सिर्फ आपको एक चैलेंज देता हूं कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि नई देसी वैज्ञानिक ट्रिक्स भी आप सबको मिलने वाली है, जो कि और वीडियो से अलग वीडियो बनाती है इस वीडियो को, ये ट्रिक्स। तो आप सबको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न ये रहा, जो कि ये प्रश्न बैंक में भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले समझ लेते, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और भाग जाओ और अपना नुकसान कर लो, क्योंकि आपको समझ में तो आने वाला है नहीं, आप रट लोगे और एग्जाम में भूल जाओगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, डिस्कस करना, यानी कि हमको थोड़ा बहुत बातचीत करना है, बोले तो चर्चा करना है, ठीक है ना। डिस्कस द फर्स्ट 2 सेक्शन, यानी कि प्रथम दो जो सेक्शन है ऑफ द इवेंट्स, माने कि जो भी इवेंट्स बोलते हैं अपन, जो भी यात्रा है, ठीक है ना, ऑफ द सी वॉयेज, है ना, जो भी घटना है, इवेंट ऑन द सी वॉयेज, यानी कि समुद्री यात्रा पर जो भी इवेंट है वो हमको उसके बारे में, और वो भी कौन सा भैया, प्रथम 2 सेक्शन बताने, उसके पहले 2 सेक्शन बताने हैं, उस पर हमको सिर्फ चर्चा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तर, सबसे पहले हम उत्तर को हिंदी में पढ़ लेंगे, ताकि हम जो है हमारे मातृभाषा में क्या कर सके, चर्चा कर सके। क्या है कि पहले चरण में उनकी जो यात्रा थी वो सुखद रही है, पहले चरण में। इस समय उन्होंने जो है प्लायमाउथ इंग्लैंड से केप टाउन तक का सफर तय किया। दूसरे चरण में उन्होंने भयानक लहरों का तूफान का सामना किया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए और अत्यंत दबाव में लगातार काम किया। उनका जो जहाज था क्षतिग्रस्त हो गया और उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। आखिरकार 6 जनवरी को हवा की गति कम हुई और उन्हें कुछ राहत मिली, थोड़ी सी राहत मिली। तो अब हम इसे इंग्लिश में देख लेंगे कि क्या है। इन द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, द वोएगर्स यात्रा करने वाले हैड ए प्लीजेंट जर्नी फ्रॉम प्लेमाउंट, यानी कि प्लीजेंट जर्नी सुखद यात्रा रही, ठीक है ना। फ्रॉम यानी कहां से, एक तो प्लेमाउंट इंग्लैंड टू केप टाउन, इंग्लैंड टू केप टाउन। इन द सेकेंड सेक्शन दे फेस्ड द स्टर्म एंड द फेरोसियस वेव्स, है ना। दे स्ट्रीव्ड। आप सभी को बोलना चाहूंगा, सबसे पहले सभी का शब्दों को, जो भी से शब्द है उन पर टिक मार कर ले और सभी का हिंदी इंग्लिश करके फिर इसको पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगा अगर मैं इसको पूरे को बहुत ज्यादा व्याख्या करके समझाऊ तो, ठीक है। आप सभी को समझना है, थोड़ा टाइम देना है, एक क्वेश्चन को कम से कम 10-15 मिनट देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि विच आइंसलैंड डिड दे फाइंड नियर बाय यूजिंग थेयर चार्ट, यानी कि देखिए विच आइंसलैंड यानी कौन सा आइंसलैंड, डिड दे फाइंड यानी कि उन्होंने कौन सा जो आइंसलैंड है, कौन सा द्वीप है वो जो खोजा है, यूजिंग देयर चार्ट, उनका चार्ट का उपयोग करके। तो देखिए बाय जनवरी 6 यानी कि 6 जनवरी को दे यूज्ड यानी कि उपयोग किया, दे एम्स्टर्डम आइंसलैंड यानी कि उनका चार्ट का उपयोग किया और
उन्होंने एम्स्टरडम जो आइसलैंड है वो खोजा। उत्तर क्या आएगा, सिर्फ जो मैंने ये मैंने जो आपसे कोई हाईलाइट कर रखा है ये आपका उत्तर होगा, ये आपका मुख्य पॉइंट, अगर आपने इसको याद कर लिया तो पूरा उत्तर बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला ये वाला है मोस्ट आईएमपी, बताए थे आप सभी को। ये देखिए, वो वेर ऑथर टू क्रीमेन थर्ड अकॉम्पिनेट द जर्नी। देखिए जर्नी यानी कि उनकी यात्रा में अकॉम्पिनेट यानी जोड़ा शामिल किया, टू क्रीमेन दो नाव चालक, उनका नाम क्या था वो हमको बताने, कौन से वो दो नाविक थे जिनको उन्होंने अपनी जर्नी में शामिल किया था। तो देखिए, टू ऑथर क्रूमेन वेर लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर। तो आपसे का उत्तर सिर्फ ये दोनों शब्द का है, दोनों शब्द का आपको याद रख लेना, आपका उत्तर बन जाएगा लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर। ओके रेडी, चलिए आगे देखिए, नीचे वाला जो क्वेश्चन ये भी वेरी मोस्ट है, ये बाकी मैंने मेरे मन से लगा है, ये मेरे गेजिंग का है। ठीक है, व्हाई डिड द नरेटर टेक टू क्रूमेन, यानी कि जो व्हाई यानी कि क्यों है ना, नरेटर टेक टू क्रूमेन यानी कि जो दो क्रूमेन है उसने उनको क्यों जोड़ा है ना, क्यों मतलब उनने लिया, क्यों उठाया उनको अपनी अपनी यात्रा में क्यों शामिल किया। तो देखिए, द नरेटर टू क्रूमेन लैरी एंड हर्ब सिगलर टू हेल्प हिमसेल्फ थ्रोग वन ऑफ द रॉगेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो जो विश्व थे, विश्व में सबसे ज्यादा जो है बड़े थे। ठीक है ना, देखिए हिंदी में पढ़ सकते हो, वर्णकार ने दो लोगों है ना, एक तो लैरी और एक हर्ब, इसलिए लिया ताकि वे दुनिया के कठिनतम समुद्रों में से एक साउथ इंडियन ओशन है ना, जैसे कि दक्षिण हिंद महासागर है ना, को पार करने में उनकी सहायता कर सके। भैया आप सभी यहाँ पर सिर्फ ये भी लिख सकते हो अपनी सहायता के लिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हेल्प थीम ये भी लिख सकते हो है ना, हेल्प थीम इतना सा भी हो सकता, भाई हेल्प के लिए तो लिया है और क्या है ना। अब अगला देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला भी मोस्ट टाइम पी है, मैंने लिख रखा है और हाईलाइट भी कर रखा है कि व्हाई डिड द नरेटर अंडरटेक द सी वॉयेज, यानी कि समुद्री यात्रा थी सबसे तो वाई, देखिए वाई यानी कि क्यों वाला प्रश्न है ना। तो देखिए यहाँ पर नरेटर ने वर्णकार जो है उसने मतलब जो सी वॉयेज यानी कि समुद्र जो यात्रा है वो अंडरटेक यानी कि जो क्यों शुरू की वो है ना, क्यों शुरू की वो बताना है। तो देखिए, द नरेटर अंडरटुक द सी वॉयेज बिकॉज यानी कि क्योंकि ही एंड हिज वाइफ वो और उसकी पत्नी हेड चेरिश अ ड्रीम टू गो ऑन अ सी वॉयेज लाइक कैप्टन कुक डिड 200 ईयर एगो। दे मेड सिग्निफिकेंट प्रिपरेशन फॉर थॉट, यानी कि जो वर्णकार है उसने समुद्र यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि उसका और उसकी जो पत्नी था उसका वर्षों पुराना जो सपना था इसलिए पुराना पूरा करना चाहते थे, भैया सपना था उनका कि भैया वो पूरी जो समुद्र की जो रास्ते की जो दुनिया थी उसका पूरा चक्कर लगाए ना, पूरा जो उसका परिक्रमा करे है ना। तो कप्तान कुक ने 200 साल जो पहले किया था है ना, ये सपना देखा था उन्होंने, इसके लिए ही काफी तैयारी की थी काफी सालों से, इसलिए की भैया। बस ये आंसर हो जाएगा सिंपल सा, आप सभी को सिर्फ एक एक बार और पढ़ लेना है ठीक है, ताकि ये जो है आप सभी का पूरा हो जाए ठीक है ना। और बाकी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आप सभी को सिर्फ ये याद कर लेना, मेरी गारंटी नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि इनमें से आएगा, मैं आप सभी को लिख करके दे सकता हूँ, लेकिन आप सभी को पूरा याद कर लेना है, इनके अलावा कुछ याद नहीं करना है, समय बहुत कम बचा है इसलिए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।